नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक के दो दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। साथ ही दोस्तों विवेक अग्निहोत्री की शानदार फिल्म मास्टरपीस फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने 22 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों एसएस राजा मौली की बेहतरीन देशभक्ति से परिपूर्ण फिल्म आरआरआर ने अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जॉन अब्राहम की लक्ष्य राज आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म अटैक की। दोस्तों इसमें जॉन अब्राहम के अलावा जैकलिन फर्नांडिस, रकुल प्रीत सिंह के साथ ही दोस्तों प्रकाश राज भी एक अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। दोस्तों पहले दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन बहुत ही ढीला डाला रहा है, बहुत ही कम रहा है। दोस्तों जितनी उम्मीद थी उससे बहुत कम रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म अच्छी नहीं है। क्रिटिक्स ने फिल्म को अच्छे रिव्यूज नहीं दिए, दर्शक भी इस फिल्म से खुश नहीं है। क्योंकि दोस्तों फिल्म अगर विशुद्ध एक्शन मूवी होती, जैसा कि इसको साईफाई फिल्म करके प्रचारित किया गया था और एक एक्शन फिल्म के तौर पे बताया गया था, लेकिन दोस्तों ये फिल्म एक तरीके से जॉन अब्राहम तथा जैकलिन फर्नांडिस का जो रोमांटिक एंगल है उसी में उलझ के रह जाती है। और दोस्तों फिल्म के जो एक्शन दृश्य है वो उभर कर सामने नहीं आते। हालांकि फिल्म के एक्शन दृश्य काफी जबरदस्त है, काफी शानदार है, सिनेमाटोग्राफी भी लाजवाब है, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद चूंकि फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं है, फिल्म की राइटिंग में लक्ष्य राज आनंद से कहीं चूक हुई है, डायरेक्शन में चूक हुई है, इस कारण दोस्तों ये फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आ रही। और लगता है कि सत्यमेव जयते 2 के बाद में लगातार दूसरी फिल्म ऐसी होगी जो जॉन अब्राहम के नाम खाते में प्लॉप दर्ज की जाएगी। दोस्तों पहले दिन मात्र 3 करोड़ रुपए का इसने भारत में नेट कलेक्शन किया, जबकि ये 1700 स्क्रीन पर पूरे देश भर में रिलीज की गई है। वहीं दोस्तों अगर आज के कलेक्शन की बात करें तो आज शनिवार की छुट्टी होने के कारण दोस्तों ये फिल्म करीब 4 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन कर सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार फिल्म अटैक का 2 दिनों का नेट कलेक्शन करीब 7 करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम है। दोस्तों अब बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की मास्टरपीस फिल्म सच्चाई को बयान करने वाली फिल्म कि किस प्रकार कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार किया गया था उसको वास्तविक रूप से दिखाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने जिस प्रकार की हिम्मत का कार्य किया है उसी का परिणाम है कि ये फिल्म देश भर के दर्शकों को काफी पसंद आई और दोस्तों ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। हालांकि दोस्तों अब चूंकि आरआरआर जैसी बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है, साथ ही जॉन अब्राहम की अटैक तथा हॉलीवुड की मोबीवीएस रिलीज हो चुकी है, जिस कारण दोस्तों इसके स्क्रीन की संख्या कम हो गई, करीब 50% स्क्रीन फिल्म के कम हो चुके हैं। इसके बावजूद दोस्तों इस फिल्म ने अपने 22वें दिन करीब 1.50 करोड़ रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार 22 दिनों का इस फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन हो जाता है 239.68 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अगर इसके वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात करें कि 22 दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन कितना हो गया, तो ये 308 करोड़ रुपए के करीब इसका वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों आज ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसका जो नेट कलेक्शन है लाइफ टाइम नेट कलेक्शन होगा करीब 241 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों आज की जहां की ऑक्यूपेंसी और थिएटर से जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार आज ये फिल्म कलेक्शन में थोड़ा सुधार होगा इस फिल्म के कलेक्शन में, और आज ये करीब 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करने जा रही है। नेट कलेक्शन के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों कश्मीर फाइल्स अभी भी थिएटर में जमी हुई है और लगता है कि ये 250 करोड़ रुपए का तो आंकड़ा जरूर ही पार कर लेगी। दोस्तों अब बात करते हैं एसएस राजामौली की बेहतरीन फिल्म आरआरआर। दोस्तों आरआरआर एक पीरियड फिल्म है जिसमें दो स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी है, देशभक्ति से प्रेरित कहानी है। और दोस्तों ये फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आई क्योंकि ये फिल्म पूरी तरह से भारतीयता पर आधारित है और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म बनाई गई है। एसएस राजामौली एक दिग्गज निर्देशक है, एक बहुत ही बेहतरीन निर्देशक माने जाते हैं। उनकी फिल्मों के जो विजुअल्स होते हैं बहुत ही वर्ल्ड क्लास होते हैं और दोस्तों उनकी फिल्मों की जो सिनेमाटोग्राफी है वो भी बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में दोनों ही मेन लीड कलाकारों का रामचरण तथा जूनियर एनटीआर का अभिनय भी बहुत ही उम्दा है। फिल्म के एक्शन सीन आपको रोमांचित कर देते हैं। तो दोस्तों फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। तो दोस्तों फिल्म की अगर 8वें दिन की बात करें तो फिल्म ने 8वें दिन भारत में हिंदी वर्जन की बात करें तो करीब 12 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। तो दोस्तों 8 दिनों का हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन हो गया 145 करोड़ रुपए। वहीं दोस्तों अगर इसके 8 दिनों के कुल नेट कलेक्शन की बात करें, वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन की बात करें, तो ये हो गया 505 करोड़ रुपए। तो दोस्तों फिल्म ऑलरेडी हिट साबित हो चुकी है क्योंकि इसका बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों अगर इसके 8 दिनों के कुल वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन की बात की जाए तो ये 750 करोड़ रुपए हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार केवल बाहुबली 2 को छोड़ करके इसने बॉलीवुड में अब तक बनी जितनी भी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, जितनी भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, उन सभी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जहां तक आज इसके 9वें दिन की बात करें तो आज 9वें दिन भी ये हिंदी वर्जन में करीब 15 से 16 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करने वाली है।
वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन 50 से 55 करोड़ रुपए के बीच रहने वाला है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।